हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आलू टिक्की चाट बनाने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। हमने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, उसको कद्दूकस कर लिया है। अब हम आलू की टिक्की बनाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। हम उबले हुए आलू को मैश करके लिया है, साथ में एक बाउल ऑनियन लिया है जो बारीक कटा हुआ है। ये टिक्की में भी जाएगा और चाट बनाएगी उसमें भी जाएगा, तो हम उसको आधा लेंगे। हमने हरी मिर्च ली है, चाट पाउडर लिया है, जीरा पाउडर और काला नमक लिया है, हरा धनिया लिया है, जिंजर लिया है और नमक लिया है। तो चलो आलू टिक्की बनाना शुरू करते हैं। हमने मैश किए हुए आलू में 4 से 5 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, तीन हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, अदरक लिया है 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लिया है। आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। चाट मसाला डाला है 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर और काला नमक डाला है, हरा धनिया 2 से 3 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक लिया है, अब हम आलू की टिक्की का डो बनाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसमें चावल का पाउडर, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे ताकि टिक्की अच्छे से बने। अब हम मिक्स करके उसकी टिक्की बनाएंगे। इस तरह से हम सारी टिक्की बनाएंगे। आलू टिक्की को बनाकर हम साइड में रख देंगे। ये सारी आलू टिक्की बन जाए फिर हम उस एक पैन में सैलो फ्राई करेंगे। हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करने रखा है, हम उसमें आलू टिक्की डाल देंगे। अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक उसे पकाएंगे। हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि वो जल ना जाए और ब्राउन कलर अच्छा सा पिंक कलर शेड दे ये। जब वो ब्राउन शेड आ जाए तब हम उसको पलट देंगे। इस तरह सारी टिक्कियां हम बना देंगे। लाइट ब्राउन कलर आने लगा है,
तो हमने उसको पलट दिया है। उसमें जगह हो गई है तो हम दूसरी टिक्की भी डाल देंगे। दूसरी तरफ भी ब्राउन कलर हो जाए तो फिर भी एक बार पलट देंगे ताकि अच्छी से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए, तब तक हम उसे ब्राउन होने देंगे। देखो कितना अच्छा ब्राउनिश कलर आया है उसका। हमारी आलू टिक्की बनकर रेडी हो गई है। हमारी आलू टिक्की बन जाए तब दूसरी आलू टिक्की बना देंगे, फिर उसकी हम चाट बनाएंगे। ये धीरी आंच पर पकानी पड़ती है क्या, ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, वरना ये जल जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे उसको। ये दिखने में जितनी अच्छी उतनी टेस्टी भी लगती है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है उसका। हम सारी टिक्कियां पलट देंगे फिर से। ये टिक्कियां हम एक प्लेट में निकाल देंगे। हमारी आलू टिक्कियां बनके रेडी हो गई है। अब हम उसकी चाट बनाएंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है। इस तरह हम सारी टिक्कियां तल देंगे। अब हम उसकी चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए ऑनियन, हरी चटनी, इमली की चटनी, चाट मसाला और नायलॉन सेव लेंगे और मीठा कर्ड लेंगे और हरा धनिया। तो चलो शुरू करते हैं। एक सर्विंग प्लेट में हम टिक्की रखेंगे, उस पर मीठा कर्ड डालेंगे, उस पर हम इमली और खजूर की चटनी डालेंगे। हरा धनिया की चटनी डालेंगे। ऑनियन डालेंगे। और नायलॉन से उसे हम गार्निश करेंगे। उस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो हमारी आलू टिक्की की चाट रेडी है।
आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।